वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। कुंभ राशि वालों, अब होगा मंगल ही मंगल। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो देखिए इसके लिए आपको कुछ समझना होगा। पूरी पृथ्वी में, पूरे संसार में एक ही वग्रह है जो क्रोध, युद्ध, अस्त्र शस्त्र, साहस, वीरता और उन्नति के कारक माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि जब भी उनका परिवर्तन होता है तो वह मनुष्य की कुंडली के 12 भाव के साथ साथ देश दुनिया पर भी बड़े प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इस वीडियो में पूर्ण और सटीक जानकारी दूंगा कि मंगल का प्रभाव आपके जीवन पर कैसा रहेगा, वह क्या शुभ फल देंगे, धन को लेकर क्या स्थितियां रहेगी, पारिवारिक जीवन पर कितना प्रभाव होगा, विद्यार्थियों को कैसे लाभ देंगे, नौकरी में क्या परिवर्तन करवाएंगे, इन सब के बारे में बारी बारी से जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन इसके पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे ही मंगल ग्रह 10 मई को कर्क राशि में गोचर करेंगे, भारत सहित देश दुनिया में बड़े चेंज होंगे। चक्रवात, आंधी तूफान उठेंगे। अधर्मी और धर्म के विमुख आचरण करने वाले लोगों को पछतावा होगा। कर्नाटक में अभूतपूर्व बदलाव देश में हित में होगा। राजनीतिक विश्लेषक शर्मिंदा होंगे, तो विदेश में युद्ध को लेकर बड़ा कुतूहल पैदा होगा। कुंभ राशि वालों, हम इन सारी परिस्थितियों को छोड़ दें और आपके बारे में बात करें तो आपकी कुंडली में मंगल ग्रह अब तक आपके पंचम भाव में उपस्थित थे, वह अब आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे। हालांकि वह अपनी नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं, किंतु फिर भी वह आपके लिए योग कारक बनेंगे। तो जानते हैं 10 मई से 30 जुलाई के बीच आपके साथ क्या क्या होगा, इसलिए वीडियो ध्यान से समझिएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल चंद्र लग्न गोचर वश तीसरे, छठे और ग्यारहवें भाव में शुभ फल देते हैं। लिहाजा कुंभ राशि वालों की चांदी ही चांदी होने वाली है। आपके व्यापार में उन्नति के संकेत मिल रहे हैं। कार्य क्षेत्र में लाभदायक स्थितियों का निर्माण की संभावना बन रही है। प्रेम और दाम्पत्य जीवन भी आपके लिए महत्वपूर्ण बनने वाला है, यानी कि आपको जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति मिलेगी। मंगल राशि परिवर्तन के कारण आपके जीवन में मुख्य रूप से तीन प्रकार के बदलाव होने के योग घटित हो रहे हैं। इनकी बारी बारी से मैं आपको जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिए। कुंभ राशि वालों, सबसे पहले और प्रथम बदलाव उन व्यक्तियों को मिलने वाला है जिनको पिछले काफी समय से शत्रु परेशान कर रहे थे। पारिवारिक शत्रु आपके सामाजिक और पारिवारिक जीवन में खतरा पैदा कर रहे थे, या फिर वह व्यापारी जो अपने प्रतिस्पर्धी से चलते व्यापार में घाटा कर रहे थे, अब आप मानकर चलिए कि इस दोष से मुक्ति मिलने वाली है। मंगल यहाँ पर दूरी जनों के कष्ट से मुक्ति देता है, प्रतिस्पर्धा में विजेता जाहिर करवाता है। आपके लिए खुशी की बात एक और भी है, क्योंकि जब मंगल आपके छठे भाव में पहुंचेंगे तो उसके साथ साथ सूर्य ग्रह भी आपके चतुर्थ भाव में पहुंचेंगे। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अब आपकी किस्मत बदलने वाली है। जो कानूनी काम लंबे वक्त से अटके हुए थे, उनके पूरे होने का समय अब आ गया है। जो छात्र कंपटीशन की तैयारी में लगे थे, उनको भी बड़ी कामयाबी मिल सकती है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कुंभ शनि और यूरेनस द्वारा शासित एक वायु राशि है, और इस राशि के तहत पैदा हुए लोग अपने व्यक्तित्व, आविष्कार और मानवीय स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। इसलिए मंगल का दूसरा परिवर्तन आपके जीवन में पैसे, प्रतिष्ठा और सम्मान के रूप में प्राप्त होगा। परिवार के साथ शानदार समय बीतेगा। विवाह के दृष्टिकोण से आपके जीवन में सामंजस्य वापस आएगा। यदि आपको अपने साथी से, प्रेम दोस्तों से कोई शिकायत या असंतोष था, तो मंगल के इस गोचर के दौरान उनका भी समाधान हो जाएगा, यानी कि आपका प्रेम पुनः आपको प्राप्त हो सकता है। आप राजनीति से संबंध रखते हैं तो आप भी बड़े पद के लिए तैयार रह सकते हैं। यदि आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना चाहते हैं तो उनकी भी डील इस अवधि के दौरान फाइनल हो जाएगी। मंगल आपके पिता की विरासत का हिस्सेदार बनाएगा, प्रॉपर्टी का मालिक बनवाएगा। संभावना तो यहाँ तक बन रही है कि आपको ससुराल या मायके पक्ष से या फिर दूर के रिश्तेदार से भी कुछ बड़ा लाभ हो सकता है।
मंगल के गोचर के कारण दो चीजें आपके साथ जो घटित होगी उनका जिक्र मैं अवश्य करूंगा, क्योंकि मंगल यहां पर आपकी आय में लगातार वृद्धि के साथ साथ आपके व्यवसाय को भी उन्नति की ओर ले जाएगा। करियर से संबंधित चिंताओं से मुक्ति देगा। खासतौर पर मंगल ग्रह से संबंधित व्यापार करते हैं उनकी आमदनी अब हजारों लाखों में होगी। जैसे कोई जमीन का क्रय विक्रय का कार्य कर रहा है, भूमि के कार्य से संबंध रखता है, विज्ञान से जुड़ा हुआ है, रक्षा विभाग से जुड़ा है, खनिज पदार्थ से संबंधित व्यापार करता है, इलेक्ट्रॉनिक कार्य से संबंध रखता है, खेल के साथ जुड़ा हुआ है, होटल भोजनालय कैटरिंग के साथ जुड़ा हुआ है, तो कुंभ राशि वालों मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि आपके दिन अब बदल रहे हैं। आपकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह शुभ भाव में बैठे होंगे, कोई पाप ग्रहों के साथ युति नहीं बना रहे होंगे, तो निश्चित रूप से आपको लाभ अवश्य मिलकर रहेंगे। खासतौर पर जो सेना संबंधित यानी कि रक्षा विभाग से संबंधित लोगों की भी कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। कुंभ राशि वालों, आपके राशि स्वामी शनि ग्रह विदेश भाव के स्वामी होकर आपकी कुंडली में देह भाव में स्थित रहेंगे। वह आपको विदेश में स्थायी निवास का सुख दे सकता है, नौकरी में पदोन्नति दे सकता है, नौकरी के अलावा नए कार्य से लाभ दे सकता है, चाहे वह धन निवेश के कार्य हो या स्टार्टअप करना या फिर किसी भागीदारी से संबंधित व्यापार करना, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। कुंभ राशि वालों, मंगल ग्रह क्रिया ऊर्जा और आक्रामकता का ग्रह है, इसलिए इनका प्रभाव दृढ़ता से महसूस होगा। इस गोचर के दौरान कुंभ राशि के लोग अपने विचारों को व्यक्त करने और अपने लक्ष्यों की दिशा में कार्रवाई करने के लिए एक मजबूत आग्रह महसूस करेंगे, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास की एक नई भावना महसूस करेंगे और जोखिम लेने और चीजों की कोशिश करने के लिए भी अधिक इच्छुक होंगे। कुल मिलाकर मंगल का गोचर कुंभ राशि वालों के लिए नई परियोजनाओं को शुरू करने या अपने जुनून का पीछा करने का एक शानदार समय है, क्योंकि आपके पास सफल होने के लिए आवश्यक अवसर आने वाले हैं। आप देख रहे थे मंगल राशि परिवर्तन मई 2023। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।